गौअष्टमी की पूर्व संध्या पर नादौन के बढ़ोली भगौर में स्थित लक्ष्मी नारायण गौशाला में चल रहे विशेष कार्यक्रम में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के दीपक शर्मा व नरेश लखनपाल भी उपस्थित रहे। चारे में डाल दो ना। उसके बदले आप लोगों को कथा दे दी जाए और कथा से ही मनुष्य का कल्याण हो जाए। कथा मान लेना, कल्याण जब भी होगा तो कथा से ही होगा। हे तस्माद् परम किंचन मनः शुद्धयै न विद्यते श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कलयुग के समस्त कलुषित प्राणी के दुख शमन के लिए केवल श्रीमद् भागवत कथा ही दिव्य औषधि है। इसके अलावा और कोई औषधि है ही नहीं। इसके अलावा और कोई औषधि है ही नहीं। वर्णन आता है कि एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, चार दिन बीते, पांच दिन बीते, छह दिन बीते, सात दिन और सात रात बीत गई। अपने संबोधन में राणा ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने तो इंसान को धरती पर भेजा, परंतु जाति धर्म और राजनीति ये सब केवल इंसान नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि गौवंश को संजोना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए गौवंश को प्रयोग के बाद छोड़ देना पाप के समान है। राणा ने कहा कि कलयुग के समाज में धर्म का कार्य करने वालों के कारण ही समाज टिका हुआ है। उन्होंने गौशाला के संस्थापक पंडित सुखदेव शास्त्री के कार्यों की प्रशंसा की। राणा ने अपनी संस्था सर्व कल्याणकारी संस्था की ओर से गौवंश के लिए जरूरी सामग्री मुहैया करवाई। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था अभी तक 6,175 कन्याओं का विवाह करवा चुकी है तथा 500 महिला मंडलों को 6 बार सम्मानित करने के साथ साथ कई बड़े निःशुल्क मेडिकल कैंपों का आयोजन भी करवा चुकी है। कांग्रेसी नेता दीपक शर्मा ने कहा कि गौ सेवा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। शर्मा ने कहा कि समाज निर्माण के लिए राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में निस्वार्थ लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं सुखदेव शास्त्री ने मेहमानों का आभार जताया। इससे पूर्व गौशाला की ओर से विपिन शर्मा, विनोद शर्मा, विनोद पादा आदि ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। राजेंद्र राणा ने गौवंश को चारा खिलाया तथा इसके बाद यहां चल रही कथा में हिस्सा लिया। कथावाचक आचार्य शिव कुमार ने भगवान कृष्ण के कई प्रसंग सुनाए। इस अवसर पर प्रधान दिलबाग सिंह, कमल पठानिया, होशियार सिंह, जगन्नाथ, आशीष ठाकुर, कुलदीप, देशबंधु शास्त्री, राजेंद्र शर्मा, जगदीश डोगरा, गोपी शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो मैंने छटाई करते करते कागज जब पड़े जाते हैं तो मैंने सबलिगेशन में पढ़ा कि एक प्रागपुर में करझू गांव है, वहां से उसका लड़की का नाम था नीता, अनीता नहीं नीता, तो उसकी शादी है कहते और ये इसके दोनों के इसके जो बच्ची है इसके माता पिता नहीं है, कहते नाना के पास रहती है। माता को सांप ने काट लिया था, उसके जो पिता थे उनकी डेथ हो गई थी, तो नाना बुजुर्ग हैं और जो मामा है वो मजदूरी करते हैं। जब मैंने पूरी तो स्टोरी सुनी
तो मेरे दिल ने ये कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, और वो मुझे अभी भी दिन याद है कि 20 नवंबर था, आज क्या है, क्या 21 है, और 21 नवंबर को मैं सवेरे एक साथी को कहा कि मुझे प्रागपुर जाना है। कहते जी प्रागपुर तो अभी 4 दिन हो गए आपको आए, फिर क्यों चल पड़े, कोई इलेक्शन लड़ने का रास्ता तो नहीं बन गया। मैं कहने किसी की मदद करने के लिए जाना। हम निकले, टाइम दे दिया रेस्ट हाउस में, 7 बजे चले, 10 बजे प्रागपुर पहुंच गए। तो लोग 5-7 लोग आ गए, प्रधान भी थे वहां लोकल। तो मैंने चाय चुपे पी, तो मैंने कहा उस लड़की की मदद करनी है, तो कहते जी कर दो। मैं कहनी उसके घर ही जाऊंगा पहले, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। कहते चलो, चले गए वहां। जब वहां पहुंचे तो मैंने देखा, अभी भी मुझे वो सीन याद आता है, अकेला कमरा और गोबर से उसकी बाहर से आंगन जो था उसकी भी उन्होंने किया था, एक ना दो टीन की कुर्सियां जो फोल्ड हो जाती थी, और एक चारपाई, चारपाई पे ऐसे जैसे बैठे हैं बुजुर्ग बोला जी वैसे ऐसे में आए हम लोग, और आपकी दोती की शादी है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पहले चाय पिलाओ। मैंने कहा क्या होता है कि आप मेरी नहीं है, और मैंने चंडीगढ़ पहुंचना है, 3 बजे मेरी मीटिंग है। फिर चाय पी, उस मैंने पूछा उनके बुजुर्गों को, मैं क्या आप बताइए कि हम आपकी कितनी मदद करें बेटी की शादी में ताकि आपका काम हो जाए। तो पहले तो गरीब आदमी बोल नहीं पाता है, बड़ी देर बाद बोले, कहते जी कोई 10,000 रुपया मिला जाए तो हमारा खुला हो जाएगा। मैं हंसा, मैं गई बड़ी दूर से आया हूं इसलिए खुल के मांगो, आप क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं। कहते नहीं, हमने अपनी हैसियत से ज्यादा मांगा, आप जितना कर सकते हैं कर दीजिए। मैं कह फिर सोच लीजिए। कहते नहीं, मैंने 11,000 रुपये निकाला, मैंने उनके हाथ में देखे, मैं क्या बुजुर्गो 11,000 है और चाहिए तो पियो पियो कह। कहने ले लिया तो नहीं बहुत है था, बड़े भारी है। अब वो उन बुजुर्गों ने अपना परिचय दिया कि मैं 69 वर्ष का हो गया, और 69 वर्ष की आयु में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आप कौन है, कहते कहां से आए हैं, ना जान है ना पहचान है, पर जिस भी रूप में आए हैं कहते आपने हमारी इज्जत बचाई है, आप किसी भगवान से कम नहीं है कहते। जब उन्होंने ये बात कही तो अंदर से मेरा जो अंदर आत्मा थी उसको हिला कर रख दिया। मैं चंडीगढ़ वापस गया और मैंने अपने साथियों को दूसरे दिन बुलाया जो साधन संपन्न थे। मैंने कहा भाई ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, इसके हम काबिल नहीं थे, आप कुछ समाज के लिए करिए, हमारे जो परिवार है, अपना जो अपने लोग हैं, समाज है, जो पीछे रह गए उनकी कुछ मदद करें। फिर हमने एक संस्था बनाई, वो भी 2000 में बनी थी, वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है और परमात्मा का आशीर्वाद है, और उस परम पिता परमेश्वर का मैं रात दिन धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि सद्बुद्धि दी। आज 6,175 बेटियों की शादियों में हम, ये तो एक पहलू बता रहा हूं, काम में लगे लगे, अन्यथा कुछ पैसे कमाने में लगे रहते तो शायद कुछ और ही करते। शास्त्री जी सुजानपुर की शायद आपके पास जानकारी होगी, सुजानपुर के लोगों ने 2012 में मुझे विधायक चुना, इंडिपेंडेंट चुना, और इतने वोटों से जिता दिया, इतने वोटों से जिता दिया कि हिमाचल में ऐसा रिकॉर्ड कोई नहीं है। 44,000 वोट पड़े थे बीजेपी को, 8,000 और कांग्रेस को 10,000, और 25,000 मुझे पड़े। सेवा करी लोगों की। फिर 2017 में बहुत बड़ा चुनाव जिता दिया, दुबल साहब वहां से आ गए, तो लोगों ने जिस दिन मैं नॉमिनेशन करने के लिए गया, मैं सामने से आ गए, मैंने उनके पैर छुए, मेरी आशीर्वाद हो, कोई शब्द मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला, चुनाव को बड़ी सलीमता से लड़ा। और साथ में ये भी कहा, क्योंकि वहां की महिलाएं मेरे साथ